close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Amprian Vlogs. आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो एक historical place है. आप अगर मानकाचोर के बारे में सुनेंगे तो एक चीज़ और भी सुनेंगे इस जगह के बारे में. और जिस जगह पे आज आए हैं वो हिस्टोरिकल प्लेस क्यों है और कैसे ये जगह हिस्टोरिकल प्लेस बना, उसी के बारे में हम आज जानेंगे. वो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में. चले हम आगे बढ़ते. यहाँ से चढ़ के भी आप आ सकते हैं सीढ़ी चढ़कर. यहाँ से चढ़ के यहाँ से उठकर ऊपर उठ सकते हैं आप लोग. अगर आपके पास गड्डी है तो यहाँ से भी आ सकते हैं. जिस जगह से हम लोग अभी आए तो यहाँ से आप लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा गड्डी से. फाइनली हम जिस जगह पे आप लोगों को बोला था कि हिस्टोरिकल प्लेस से, उस जगह के अंदर आ गए हैं. ये है मिर्जोमाला, पवित्र मिर्जोमाला मजार शरीफ है. सो इसके बारे में बहुत ही सारा पूरा हिस्टोरी है, उसे भी हम बताएंगे आगे जाकर. तो मतलब प्लेस तो बहुत अच्छा है. मिर्जोमाला वो ईरान में 1591 में जन्म हुआ था उनका. उनका पिताजी तेल व्यवसायी थे और उनको 1659 में जुमला को मुगल सम्राट औरंगजेब ने बंगाल के गवर्नर बनाए थे. और बाद में 1662 में अहम लोकल रूलर जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल का जो एरिया थोड़ा सा एरिया था वो उन्होंने ऑक्यूपाइड किया उस एरिया को. तब जाके मुगल सम्राट औरंगजेब ने मिर्जुमला को बोला कि तुम जाके असम के लोकल रूलर जो थे, जो है उन लोगों ने जो बंगाल के थोड़े बहुत इलाका ऑक्यूपाइड किए उन इलाका को जाकर युद्ध करो. तब मिर्जुमला ने बहुत सारे सैनिकों के साथ अहम आए थे और उन लोगों का युद्ध किए. और युद्ध करने के बाद ही वो जब बंगाल के रास्ते में जा रहे थे तब इन्हीं जगहों में आके रेस्ट लिए थे. उस टाइम ये जगह जो है ना, ये असम मेघालय के बीच में ये जगह है. ये असम मेघालय के मतलब कि हाफ असम पड़ता है और हाफ मेघालय पड़ता है जो मिर्जुमला है. तो उस टाइम इस जगह में पूरा पहाड़ और जंगल से भरा पड़ा था. तो उस टाइम मलेरिया प्रोन क्लाइमेट था. तो क्या हुआ, मिर्जुमला उनके जो सैनिक थे उनको मलेरिया हो गया था. तो उनका ट्रीटमेंट करते करते उनको यानी कि मिर्जुमला को भी मलेरिया हो गया. और मलेरिया होने के बाद बहुत दिन उस बीमारी से लड़ते लड़ते 30 मार्च मतलब कि 30 मार्च को 1663 में यहाँ पर उनका निधन हो गया था. तो निधन के बाद उनको यहाँ पर ही कब्र दिया गया है. तो उनको भी उनको कब्र को भी आप लोगों को दिखाएंगे. उनका हाइट लगभग 9 फीट होंगे. तो उनको उनका कब्र कहाँ पर है उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे. हिस्ट्री यही है. और आइए आप लोगों को हम उनका कब्र को भी दिखाते हैं आप लोगों को. तो हमारे साथ बने रहिए. कब्र के पास ही यही है उनका कब्र. उनका जन्म 1591 में हुआ था, पहले ही मैं बोला था. और 30 मार्च 1663 में यहाँ पर ही निधन हो गया था. उनका हाइट 9 फीट के आसपास ही होगा उनका कब्र. और उनके साथ ही दो अनआइडेंटिफाइड पीर है यानी कि मुस्लिम सेंट का भी कब्र है यहाँ पर. दो और अनआइडेंटिफाइड पीर के कब्र, उनको भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं. यही है मुगल के सेनापति मिर्जुमला, उनका कब्र आप लोग. मिर्जुमला मजार शरीफ के कमेटी ने इसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेनेंस किया है. और आगे आपको आप लोगों को एक व्यू और दिखा रहा हूँ. यहाँ पर से मेघालय पड़ता है, जूम करके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को.
और ये एरिया मेघालय के है। ये जो रास्ता आप रोड देख रहे हैं ये मेघालय के रोड है। यहाँ से 8 किलोमीटर जाने से अम्पाती मिल जाएगा आप लोगों को। सो जो पवित्र मिर्जुमला माधव शरीफ है ये हाफ पार्ट पड़ा है असम में और हाफ मेघालय में पड़ा है। आप लोग अगर मानकाचौर में अगर कभी भी आना पड़े तो इस प्लेस को ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल मानकाचौर का हिस्टोरिकल एक प्लेस है जहाँ पर आने पर दिल को सुकून मिलता है। ये एक धर्म के स्थान भी है। कैमरामैन को मैं इस सारे व्यू को दिखाने की रिक्वेस्ट करूँगा। अगर आपको मानकाचौर में कभी आना हो तो इस प्लेस को विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। जब आप यहाँ पर आएंगे, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो बनाते हैं इस हिस्टोरिकल प्लेस को लेकर, लेकिन उतना अच्छी तरह से बताता नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्यों इस जगह को हिस्टोरिकल प्लेस बताया जा रहा है, सिर्फ वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों को हमारा मकसद यही है कि आप लोग यहाँ पर आइए और इसके बारे में जानिए। तो हमारा वीडियो के ज़रिए ही आप लोगों को बताने की हम लोग कोशिश किए हैं। तो लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन जो है उसे ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हम ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेस आप दिखाएं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।